टेंपल का टॉप है। तो हमारा दर्शन हो गया अच्छे से, लेके चलने की इसकी आदत हो गई है। बल्कि मम्मी तो आगे चल रहे हैं। गेट ऊपर बहुत। मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मजे में होंगे। तो मैं जितना कोशिश की थी पिछले ब्लॉग में कि मैसूर के जो फेमस प्लेसेस हैं वो कवर की, तो मैं कवर करके आपको दिखा दी हूँ। जिसने वो ब्लॉग नहीं देखा है प्लीज़ चेकआउट करें। तो उसके बाद आज हम लोग जा रहे हैं ऊटी। ऊटी जाने से पहले हम लोग साउथ काशी में रुके हुए हैं, जो मैसूर से थोड़ा सा आगे है। तो यहाँ पर एक दो टेम्पल काफ़ी फेमस है, तो हम लोग सोचे कि ऊटी निकलने से पहले क्यों ना वहाँ घूम लेते हैं, टेम्पल में दर्शन कर लेते हैं। तभी वहाँ चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं कैसा है, फिर ऊटी के लिए हम लोग निकलेंगे। तो मिलते हैं टेम्पल में। हम लोग टेम्पल पहुँच गए, सब लोग हैं मम्मी पापा। मैं आपको टेम्पल का नाम नहीं बताई थी, तो टेम्पल का नाम है श्री कंठेश्वरा टेम्पल। और ये पीछे इतने बड़े बड़े रथ हैं। वो टेम्पल का टॉप है और ये इतने बड़े बड़े रथ हैं जिसको कवर किया गया है। अभी आगे मम्मी पापा जा रहे हैं। तो हमारा दर्शन हो गया अच्छे से। ये मंदिर का सामने का बाहर का व्यू है। अभी हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा दूर आपको दिख रहा होगा शंकर भगवान का एक बड़ा सा स्टैचू है, तो अभी वहाँ जाना है। छोटा सा वहाँ से दिख रहा होगा, तो दूर से छोटा दिख रहा है बट पास से काफ़ी बड़ा है, तो चलते हैं वहाँ पर। तो मंदिर के जस्ट बगल में ही शिव भगवान का बड़ा सा स्टैचू है, तो हम लोग यहाँ आ गए। जो मैं आपको दूर से दिखा रही थी, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। ये पीछे शिव जी का स्टैचू है। हर हर महादेव। मैं तो आपको जगह का नाम बता ही नहीं कि हम लोग कहाँ हैं। तो इस जगह का नाम है नंदनगुड़े। भीड़ धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि हम लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग आए थे, मीन 6:30 तक हम लोग पहुँच गए थे। तो हमारा मैसूर और नंदनगुड़ी का ट्रिप होता है पूरा। अब हम लोग चलते हैं ऊटी ट्रिप पर, लेट्स गो। फाइनली हम लोग ऊटी के फर्स्ट व्यू पॉइंट पर आ चुके हैं। ये रहा पहला व्यू। अभी नीचे चलते हैं और दिखाते हैं कैसा है। ऊपर से तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। तो ये है नजारा ऊटी का। पाइन फॉरेस्ट है। हाँ, तो इस जगह का नाम पाइन फॉरेस्ट है।
कैसा लग रहा है इस मौसम में, इस वादियों में आके? थोड़ा सा क्लाइमेट थोड़ा गर्म है, बाकी सब ठीक है और इतना चढ़ना पड़ रहा है। इस चढ़ाई से तो तुम्हारी सांस फूल गई, लग रहा है बुढ़ापा आ गया तुम्हारा। देखिए सहारा लेके चलने की इसकी आदत हो गई है। बल्कि मम्मी पापा आगे चल रहे हैं, हम पीछे हो गए। कोई बात नहीं, होता है इस एज में होता है। काफी लोग आए हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है। संडे होने की वजह से या क्रिसमस वेकेशन स्टार्ट हो गया है इसकी वजह से। और पता है गाइस, मेरा बर्थडे आ रहा है अभी। मेरा आज 24 दिन बाद। तौबा, कितना ट्रैफिक है। कौन बोलता है कि मतलब ट्रैवलिंग है ना, टूरिस्ट करने जा रहे हैं ऊटी। बाप रे बाप। हम लोग आ गए हैं सेकेंड व्यू पॉइंट पे, जो है शूटिंग पॉइंट, जहाँ एक तरफ है पाइन ट्रीज और दूसरी तरफ से दिखता है लेक, पहाड़ और सनसेट का टाइम है। और रश इतना, कम से कम आधा घंटा तो हम लोग ये ट्रैफिक में फंसे रहे तब जाके पहुँचे। और यहाँ ठंड भी है, हम लोग कहीं जैकेट नहीं पहने, बट यहाँ जैकेट की ज़रूरत है। और यहाँ की पार्किंग दिखा दो क्या कंडीशन है। आप लोग देखोगे ना कहोगे कि सारी भीड़ यहीं आ गई है। एक बार निकल दिखाइए तो पार्किंग का। हाँ तो ये देखिए, ये है कंडीशन पार्किंग का। इतना बड़ा फील्ड है, तब ऐसा आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा पार्किंग नहीं है, बट एक्चुअली में बहुत पार्किंग। तो टिकट काउंटर है ये, निखिल टिकट ले रहे हैं, टिकट लेकर फिर चलेंगे ऊपर। मिल गया, चलिए। तो शूटिंग पॉइंट का कुछ ऐसा व्यू आपको देखने को मिलेगा। ये चढ़ाई है। हाँ मीन्स ये चढ़ाई तो है, बाकी है। ऊपर जाएंगे तो देखने को मिलेगा, राइट। बताए फ्रेंड्स, अभी तक फील नहीं हो रहा था कि हम लोग ऊटी आए हैं, क्योंकि ठंड लगी नहीं रही थी। इस शूटिंग पॉइंट पर आने पर फील हुआ ठंड का, तो ऐसा लग रहा है हाँ हम लोग ऊटी आ गए हैं। फाइनली हम लोग व्यू पॉइंट के टॉप पर पहुंच चुके हैं। क्या खूबसूरती है, इसे कहते हैं नेचर ब्यूटी। आप भी देखिए, बहुत ही प्यारा व्यू है, अमेजिंग। सब लोग यहाँ पिकनिक का मजा ले रहे हैं, मम्मी, निखिल, पापा। यस। स्काई व्यू देखिए, इस व्यू का पूरा एंजॉय किए, बहुत ही मज़ा आया। थोड़ी देर यहाँ रुके हम लोग, रेस्ट किए, अब निकलते हम लोग होटल की तरफ, क्योंकि हिल स्टेशन पर अंधेरा होने के बाद ड्राइव करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो बेटर है अंधेरा होने से पहले हम लोग होटल पहुँच जाए। फिर होटल पहुँच के हम लोग बॉनफायर का मज़ा लेंगे। यहाँ से वैसे जाने का मन तो नहीं कर रहे हैं, बट जाना तो पड़ेगा, तो चलते हम लोग। मेरी महबूबा, महबूबा बड़ी मस्तानी
तो हम लोग होटल पहुंच गए, ठंड बहुत है। तो मैं तो आपसे बोली थी कि बॉन फायर का मजा लूंगी तो आपको दिखाऊंगी, तभी हम लोग बॉन फायर का मजा ले रहे हैं। तो वो हमारा विला है जहाँ हम लोग स्टे कर रहे हैं, ये पहाड़ के टॉप पर है, और इधर हम लोग बॉनफायर का एंजॉय कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो कल रात हो जाने की वजह से मैं आपको न बाहर का व्यू दिखा पाई और न ही विला दिखा पाई, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ पूरा व्यू। तो ये वो रूम है जहाँ मैं और निखिल रुके हुए हैं, थोड़ा मैसी हो गया, इसको अवॉइड कीजिएगा, इस तरह है। अभी मैं मम्मी पापा का रूम दिखाती हूँ, ये है मम्मी पापा का रूम। वाह, आपको विंडो से दिखेगा कितना फॉगी है बाहर, मैं बाहर ही दिखाती हूँ। और ये है हॉल, ये है, अभी बाहर से दिखाती हूँ, मम्मी दीदी से बात कर रही हैं। ये हूँ मैं, ये है मम्मी, ये है विला जहाँ हम लोग रुके हैं, ये हमारी कार, पापा खड़े हैं, ये है फॉगी, पूरा फॉग है पूरा, कितना सही व्यू है। और वो देखिए टी प्लांट, जहाँ दो लोग खड़े हैं वो पूरा उधर टी प्लांट है, फॉग होने की वजह से क्लियर नहीं दिख रहा होगा। क्या व्यू है ज़बरदस्त, ये बाहर का पूरा व्यू। ये घर का एंट्रेंस, ऐसा घर का एंट्रेंस है। ये है रोड, तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं इस प्यारे व्यू के साथ। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए ब्लॉग में नई जगह के साथ, बाय फ्रेंड्स।